डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्लास 12 के लिए सब्जेक्ट मैथमेटिक्स को पढ़ना। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी के बुक्स को फॉलो करते हुए एक्सरसाइज 7.6 यानी कि इंटीग्रेशन के चैप्टर को पढ़ रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.6 का थ्योरी को पढ़ा था, थ्योरी को समझा था। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि आखिर क्या होता है बाईपार्ट रूल और बाईपार्ट रूल का फार्मूला क्या है। तो बाईपार्ट रूल किसको कहते हैं, जहां पे भी u इंटू वी आए और उसका इंटीग्रेशन हो, ठीक है, तो वहां पे लगाते हैं दोस्तों हम लोग बाईपार्ट रूल। अब बाईपार्ट रूल करने के बाद करना क्या होता है कि बाईपार्ट रूल के लिए डिसाइड करने के लिए कि कौन u है और कौन v है, इसको देखने के लिए हम लोग पढ़े थे इलेट रूल, I4 इनवर्स, L4 लॉगरिथम, A4 अर्थमेटिक, T4 ट्रिगोनोमेट्रिक एंड E4 एक्सपोनेंशियल। तो इस तरीके से हम लोग पढ़ा था। चलिए, तो थ्योरी में कुछ रह गया था, कुछ बच गया था, उस थ्योरी को हम लोग कंप्लीट करते हैं। यानी आज भी हम लोग पढ़ेंगे थ्योरी, तो कल हम लोग सिर्फ इलेट रूल्स और बाईपार्ट रूल्स को पढ़े थे, समझे थे कि क्या होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे थ्योरी और इस थ्योरी में जो टॉपिक्स बनाएंगे, सम इम्पोर्टेंट वीवीआई ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला, या फिर बोल सकते हैं सम यूजफुल ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला पढ़ेंगे, ठीक है, सम यूजफुल ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला, कि आखिर ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला का क्या यूज है, उसके यूज को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कौन कौन से फार्मूला है, तो याद रखिएगा हम लोग फार्मूला जो देख रहे हैं, 1 प्लस साइन थीटा, और पहला है 1 प्लस साइन थीटा रहेगा और डिवाइडेड में रहेगा 1 प्लस कॉस थीटा। अगर दोस्तों ऐसा रहेगा तो हम लोग डायरेक्टली इसको तोड़ देंगे किस पे, तो tan थीटा बाई टू और 1/2 sec स्क्वायर थीटा बाई टू, tan थीटा बाई टू 1/2 sec स्क्वायर थीटा बाई टू, ठीक है। तो याद रखना है कि 1 प्लस साइन थीटा और बटा में 1 प्लस कॉस थीटा रहेगा, इसको हम लोग दो पार्ट में इस तरीके से तोड़ सकते हैं। दूसरा इंपोर्टेंट फार्मूला, दूसरा पढ़े होंगे आप कि sin 2θ का फार्मूला बहुत सारा होता है, आपको हम बताए होंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक में। इसका होता है फार्मूला tan θ बटा 1 प्लस tan² θ, sorry 2 tan θ होता है, 2 लगा दीजिए, यानी कि sin 2θ का फार्मूला क्या होता है, 2 tan θ बटा 1 प्लस tan² θ। और तीसरा नंबर फार्मूला कुछ इस तरीके से है कि sin θ रहता है तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक में पढ़े थे कि इनवर्स और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ बचता है थीटा। तो ये जो कुछ सम इम्पोर्टेंट फार्मूला थे, इनको इनमें तीन ही फार्मूला थे, अब इसमें ट्रिगो का ये तीन फार्मूला यूज होने वाला है एक्सरसाइज 7.6 में, ठीक है। चलो, तो इसको नोट करने के बाद फिर से एक टॉपिक्स और है थ्योरी में, इसके प्रॉपर्टीज को पढ़ने के लिए अब लिखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। इसको नोट डाउन करने के बाद हम लोग लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन, टॉपिक बनाइए प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन के क्या क्या प्रॉपर्टीज है उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले इसका प्रॉपर्टीज जो है कुछ इस तरीके से है कि अगर दोस्तों इंटीग्रेशन रहे, क्या रहे भाई,
इंटीग्रेशन और e के पावर x रहे और अंदर में ब्रैकेट में एक कोई फंक्शन रहे और उसका डिफरेंशिएशन भी उसी में रहे और तब इसको इंटीग्रेट करना होगा। तो e के पावर x को e के पावर x लिखेंगे, ठीक है, और जिसका इंटीग्रेट डिफरेंशिएशन दिया हुआ है उसका हम लोग आंसर करेंगे। अब ये बातें आपको हवा नहीं लग रहा होगा कि कैसे कर दें, ये फार्मूला क्या है। ये फार्मूला देखिए, इस फार्मूले को समझने के लिए सबसे पहले तो इंटीग्रेशन रहेगा सवाल में और e के पावर x भी क्वेश्चन में रहेगा, लेकिन ब्रैकेट में e के पावर x का जो ब्रैकेट होगा उसके अंदर में दो को फंक्शन रहेगा। कितना फंक्शन? दो फंक्शन, और वो दोनों फंक्शन को देखना है कि एक फंक्शन का दूसरा फंक्शन के साथ डिफरेंशिएशन किया हुआ रहेगा। जैसे अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है, हम एक क्वेश्चन लेते हैं। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, इंटीग्रेशन e के पावर x और ब्रैकेट में है साइन x और प्लस कॉस x इंटू में dx। कोई बोलेगा कि इसका तुम क्या करो, इंटीग्रेशन करो। तो ये इंटीग्रेशन का रूल है कि इंटीग्रेशन रहना चाहिए, e के पावर x रहना चाहिए, देख लो e के पावर x है और उसके अंदर में दो गो फंक्शन होना चाहिए, दो गो फंक्शन भी है। अब एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने पर दूसरा फंक्शन आ रहा है, क्योंकि साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस x। तो देख लो दोनों आपस में क्या है, एक दूसरे का डिफरेंशिएशन है, इसीलिए लिखा गया एफ एक्स और एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स का मतलब इसका डिफरेंशिएशन रहना चाहिए, यानी e के पावर x एकदम हमेशा आगे रहेगा और अंदर में जो रहेगा साइन x प्लस कोस x, इसका मतलब कौन सी है? इसका मतलब होता है कि एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन रहना चाहिए दूसरा वाला, यानी कि साइन x है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए? कॉस x रहना चाहिए। तो बिल्कुल याद रखिएगा आप कि अगर कभी इंटीग्रेशन रहे, e के पावर x रहे, ऐसा कोई वैल्यू जिसका अंदर में e के पावर x के अंदर में ब्रैकेट में अगर एक दूसरे का डिफरेंशिएशन है, तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या हुआ? कॉस x। तो कॉस x को छोड़ देना है, इसको नहीं लेना है, इसका आंसर हो जाएगा e के पावर x इंटू जिसका डिफरेंशिएशन होता है, तो साइन x का ना कॉस x होता है, तो इसको नहीं लेते हैं, एफ एक्स को लेते हैं। एफ डैश तो हो गया कि इसका डिफरेंशिएशन, तो कॉस एक्स जो है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन है, इसलिए कॉस एक्स को नहीं लेंगे, यहां लेंगे e के पावर एक्स साइन एक्स प्लस सी, ये हो जाएगा हम लोगों को आंसर। यानी कि दोस्तों ये आपको समझना पड़ेगा कि अगर कभी भी e के पावर एक्स है बाहर में और अंदर में क्या है, ब्रैकेट है, और ब्रैकेट में दो फंक्शन है और दोनों फंक्शन एक दूसरे का डिफरेंशिएशन शो करता है, तब हम इसको कहते हैं कि आप डायरेक्ट लगा लो फार्मूला e के पावर x और एफ एक्स और प्लस c। एक और एग्जांपल लेते हैं क्वेश्चन के तौर पे, इंटीग्रेशन है भाई e के पावर x और यहां है 1/x प्लस log x और इसका करना है इंटीग्रेशन dx। क्या करेंगे आप समझ पा रहे हो? हम क्या बोले आपको कि अगर e के पावर x बाहर रहे और इंटीग्रेशन करना रहे, तब अंदर वाला चीज दो ठो दिया रहेगा, उस दोनों ही चीज को, दोनों ही फंक्शन को आपको गौर से देखना है कि कौन किसका इंटीग्रेशन है। तो देख लो यहां 1/x है, यहां log x है, तो log x का ना डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो 1/x तो खुद f डैश हो गया, f डैश का मतलब होता है डिफरेंशिएशन कर देना, तो f डिफरेंशिएशन कर दिए ना, तब ना 1/x आया, तो किसका किए तो 1/x आया, तो log x का, इसलिए इसका आंसर होगा e के पावर x इंटू log x और प्लस में c लगाना जरूरी है।
तो इस तरीके से ये प्रॉपर्टीज अगर आपको समझ में आएगा तो हम लोग बहुत अच्छे से और टर्म कम टाइम में इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा अंदर वाला कि कौन किसका डिफरेंशिएशन है। तो जिसका डिफरेंशिएशन होता है log x का है तो log x लिखेंगे। डिफरेंशिएशन करने के बाद जो आता है 1/x या cos x, इसको नहीं लिखा जाता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये हम लोगों का 7.6 एक्सरसाइज है। अब चलिए कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देखना शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.6 में कि आपसे बन पाता है कि नहीं बन पाता है। अगर नहीं बन पाएगा फिर हम हैं ये बताने वाले, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन आपको जो है ट्राई करना चाहिए कि हम कैसे चीजों को हैंडल करेंगे। सबसे पहले हम लोगों को जो क्वेश्चन मिलेगा, ये तो फाइनली बात है कि हम लोगों को जो क्वेश्चन मिलेगा ना वो मिलेगा ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रोल। हाँ भाई, इलेक्ट मतलब बाईपार्ट रूल, ठीक है। अब जैसे कि क्वेश्चन कुछ भी रहेगा हम लोगों को पता नहीं है, लेकिन आपको तो याद रखना पड़ेगा कि U इंटू वी का इंटीग्रेशन का फार्मूला क्या होता है। हमने सीखा कि U को बाहर करो भाई, V का इंटीग्रेशन कर दो, माइनस बड़ा इंटीग्रेशन लगाओ और अंदर में U का डिफरेंशिएशन पहले करा लो और फिर इंटू V का इंटीग्रेशन करा लो और जो आएगा पूरा का डिफरेंशिएशन कर लो बड़ा वाला इंटीग्रेशन के साथ। तो ये था हम लोगों को मेन फार्मूला, यानी यही है बाईपार्ट रूल, ठीक है। अब इस बाईपार्ट रूल को हम लोग अप्लाई करने के लिए 7.6 के क्वेश्चन को करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं 7.6 के कुछ क्वेश्चंस। तो एक्सरसाइज 7.6 में अब हम लोग इंटर कर गए हैं, अब हम लोगों का थ्योरी खत्म हो गया है 7.6 का, तो हम लोगों को बाकी क्या रह गया, सिर्फ क्वेश्चन करना है 7.6 का। अब 7.6 में पहला क्वेश्चन देखिए, तो बोल रहा है इंटीग्रेट करो x साइन x को, इंटीग्रेट करो x साइन x dx। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चंस को हम लोगों ने एक एग्जांपल के तौर पे किया है, तो इस क्वेश्चन को फिलहाल हटाते हैं, आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इंटीग्रेशन और फिर x साइन 3x है, x है साइन 3x dx। आप बोलो कि इसमें कौन कौन सा दो फंक्शन गुना में है, तो आप बोलेंगे कि सर x एक तो है और साइन 3x एक तो है। अब किसको हम u बोलेंगे और किसको v बोलेंगे यहां पे आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले इलेट रूल बताए हैं, इलेट वाला रूल लगाइए कि किसको मानेंगे u और किसको मानेंगे v। यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि x जो है एक बहुपद है, एक पॉलिनोमियल है, इसलिए हम इसको अर्थमेटिक में रखते हैं, यानी कि अर्थमेटिक में किसको रखते हैं, जो बहुपद रहे पॉलिनोमियल रहे उसको हम लोग अर्थमेटिक बोलते हैं, और जहां पे भी साइन कोस टैन ये सब आ जाता है हम उसको बोलते हैं ट्रिगो, ठीक है। तो सबसे पहले ए है बाद में टी है, लेकिन इलेट में कोची होता है ये देखिए, इलेट में आप देखिए तो इलेट यही होता है। अब हमको ए और टी में डिसाइड करना है कि सबसे पहले क्या आता है, तो ए और टी में सबसे पहले आता है ए, तो जो सबसे पहले आता है उसको हम लोग बना देते हैं U, तो U का वैल्यू हो जाएगा हम लोगों का X और V का वैल्यू हो जाएगा साइन 3X। अब U इंटू V के फार्मूला पर बैठा दीजिए, यानी कि इलेट रूल का काम यही है सिर्फ कि आप U और V को कैसे पहचान दें। तो U हो गया हम लोगों को X, तो सब फार्मूला में क्या बोल रहे हैं नाउ, अब इसका इंटीग्रेशन, तो U को बाहर करना है तो X को बाहर, किसका इंटीग्रेशन V का, यानी कि साइन 3X dx का इंटीग्रेशन, फिर माइनस बड़ा वाला इंटीग्रेशन, U का डिफरेंशिएशन, तो U X है ना और X का डिफरेंशिएशन कितना आता है 1, तो 1 इंटू V dx, V dx मतलब V का वैल्यू साइन 3X और पूरा का
वन। अब कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अब हम लोगों को बन कैसे कैसे रहा है वो चीजों को देख लीजिए। हम लोगों का जो बन रहा है कुछ इस तरीके से बन रहा है, x का तो फिलहाल x है भाई, और साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, तो माइनस कॉस और बगल में 3x है तो 3, और x का गुणांक कितना है 3, तो जितना गुणांक रहेगा उतना से हम लोग भाग दे देते हैं, इसलिए साइन 3x का हुआ माइनस कॉस 3x बाई 3। माइनस है माइनस लिखेंगे, अब यहां पे आ रहा है साइन 3x dx, ठीक है। तो अब हम लोग यहां पे एक्चुअली मिला के बात कर लेते हैं, तो माइनस को इससे गुना करेंगे तो माइनस 1 बाई 3 या x बाई 3 इंटू कॉस 3x, ये माइनस को बाहर निकाल लिया हूं, फिर माइनस और साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है माइनस कॉस 3x और x के बगल में कितना है 3, तो 3 से डिवाइड कर देंगे और प्लस में c, तो कुल मिलाकर यहां आ रहा है माइनस x बाई 3 कॉस 3x माइनस 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 प्लस सॉरी माइनस माइनस प्लस और कॉस 3x बाई 3। तो इस तरीके से हम लोग इसको आराम से सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो हम लोग कुछ वर्क्स कर लेते हैं कि कहां तक के क्वेश्चन बनेगा। मेरे हिसाब से ये जो क्वेश्चन है ना वो पूरे 9 तक के बनेगा क्वेश्चन, लिख लो आप यहाँ पे कितना तक के बनेगा क्वेश्चन, 2 तक के तो हो गया, 2 से लेकर 9 तक के बनाकर बिल्कुल हमें व्हाट्सएप करना है। सब इसी तरीके का है, यू इंटू वी, कहीं आप इनवर्स में है तो आप इनवर्स में पहले रखिएगा, यानी कि इनवर्स भी पहचान ही लेते हैं, एलजेब्रा पहचान ही रहे हैं और लॉग को लॉग पहचान जाएंगे। अगर एग्जांपल में यहाँ आएगा ऐसे क्वेश्चन, यहाँ पर देख लीजिए एक्स लॉग एक्स, और यहाँ पे कुछ नहीं दिया है कि कौन यू है कौन व्यू है, तो सबसे पहले यहाँ पे इलेक्ट पे तोड़िएगा तो आई आता है, तब ना एल आता है, तब अलजेब्रा आता है, तो ये तो अलजेब्रा की कैटेगरी में है, ये लॉगरिथम है, तो इसको हम लोग यू बना लेंगे, इसको भी बना लेंगे। तो इस तरीके से हम लोग जो है कामयाब होते हैं और सफल होते हैं इस तरीके से इंटीग्रेशन करने में। तो आपको क्या करना है, 1-2 से लेकर 9 तक के इंटीग्रेशन को इसी तरीके से करना है। आप सबसे पहले इलेट के बारे में सोचिएगा, यू एंड वी निकल जाएगा और फिर हम लोग इलेट खत्म हो जाएगा तब इसका फार्मूला पे बैठाएंगे। तो दोस्तों आपको 9 तक बना के सेंड करना है, तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।